मतलब लोग अब पफर फिश को भी चैन से जीने नहीं देंगे, इसकी भी जान लेने पर तुले हुए हैं, वो भी सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारे हैं जो इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। इस पफर फिश को जब भी अपने आसपास कोई खतरा महसूस होता है या लगता है कि इस पर कोई अटैक कर रहा है, तो ये अपने आप को फुला लेती है, चाहे वो पानी में हो या फिर हवा में। अब पानी में तो अपने स्टमक में पानी भरकर ऐसा करती है जो इनको कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन जब ये पानी से बाहर होती है तो ये हवा से फूलती है, जिससे इनकी डेथ भी हो सकती है, पर लोग फिर भी मजे लेते हैं।